रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना वायरस को लेकर जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन भी जिले के सभी बाजार कस्बे पूरी तरह से बंद रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोग बेहद गंभीर दिखाई दिए। लोगों ने अब अपने घरों से निकलना फिलहाल बंद कर दिया है। वहीं रुद्रप्रयाग डीएम और एसपी भी लगातार बाजारों का निरीक्षण करते नजर आए और लोगों को घरों में रहने की नसीहत भी देते नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि जब तक बीमारी का प्रभाव कम नहीं होता और बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो लॉकडाउन का पूरा समर्थन करेंगे और अपना परिवार और अपने देश का साथ देंगे, सुरक्षा के साथ खड़े रहेंगे। पूरे विश्व में कोरोना वायरस लगातार संक्रमण हो रहा है, उसका लगातार एक के बाद एक जाने जा रहे। चाइना की बात करें, इटली की बात करें, भारत देश की, अपने देश की बात करें तो यहाँ पे तीसरा चरण शुरू हो चुका है। और आज के टाइम की बात कर, लगभग 600 से ज़्यादा इसके संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 7 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके चलते पूरे देश भर में प्रत्येक राज्यों में यहाँ पे लॉकडाउन किया गया। हम इसमें मौजूद हैं रुद्रप्रयाग के कस्बे में, नरकोटा में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सभी दुकानें, यहाँ पे होटल हैं जो बंद हैं। इसके साथ ही जो दुकानें, मार्केट पूरी तरह सोना पड़ा है, क्योंकि और इसको बता दें कि चारधाम यात्रा का जो ये एक बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वाहन यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन जो दुकानें हैं, सब व्यवसायी सब घर जा चुके हैं, जो होटल कर्मचारी घर जा चुके हैं। साफ तौर से कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहले दिन जनता कर्फ्यू था, उसके बाद जो आज लॉकडाउन किया गया है सरकार द्वारा, उसका पूरा समर्थन यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, सुनील जोशी जी। सुनील जोशी जी, किस तरीके से कब से आपने ये बंद किया हुआ है? ये कल ही से बंद कर रखा है सर, और हम चाह रहे हैं कि जब तक ये बीमारी है ये कम से कम लॉकडाउन रहे, और जब एक बार बीमारी पूरी हो जाए तो तब फिर से चालू हो जाएगा व्यापार। तो साफ तौर से कह सकते हैं, लोगों का साफ कहना है कि एक बार जो बीमारी है वो ख़त्म होनी चाहिए जड़ से, और उसके बाद ही जो व्यापार है हम फिर शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक आदमी सुरक्षित है तभी उसका व्यापार भी है, परिवार भी है। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन किया गया उसका पूरा समर्थन यहाँ पर है, और सभी लोग बीमारी को दूर करने के लिए पूरी तरह से मेहनत करें, पूरी तरह एकजुट हैं। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैसला इसको भी माना जा सकता है, क्योंकि अभी तीसरा चरण है भारत का, और जो और देशों की बात करें, इटली या हम अमेरिका की बात करें या फिर ईरान की बात करें, चाइना की बात करें, वहाँ जो स्थिति हम वो पूरी हाथ से बाहर होती जा रही है। और ऐसे में भारत को पहले ही है जो एहतियात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बरता गया है, और उसका जो समर्थन जनता द्वारा दिया जा रहा है वो एक बहुत बड़ी बात है। इससे ज़रूर जो बीमारी है इससे इसका यहाँ से खात्मा होना बिल्कुल जरूर है, जरूर इस बीमारी से भारत को निजात मिल पाएगी। रुद्रप्रयाग से R9 के लिए मैं संदीप भट्ट।